हाय फ्रेंड्स, क्या सही में ये हो रहा है कि मोबाइल पर वॉलपेपर लगाने से मोबाइल क्रैक हो जाते हैं? आखिर क्रैक होते हैं तो क्यों होते हैं? क्या उस पर कोई वायरस हो रहा है या उस इमेज के थ्रू से मोबाइल को हैक किया जा रहा है? सो पूरा डिटेल्स आज इस वीडियो पर बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो पर बने रहे और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हुए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैफुल और आप देख रहे सैफुल मिर्जा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये बात सही है कि ये जो आप साइट पर देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज है इसको अगर आप अपने मोबाइल पर वॉलपेपर के थ्रू लगाएंगे तो आपके मोबाइल क्रैश होंगे और ये बात पूरा तहलका मचा चुका है सारे सोशल मीडिया पर, जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक सोशल मीडिया पर यही बात हो रहा है कि मेरा मोबाइल क्रैश हो गया। आखिर क्यों? तो ये एक्चुअली इसको अगर हम थोड़े से डिटेल्स में अगर आप बताएंगे तो इस पर क्या होता है कि अगर हम कोई भी वॉलपेपर अपने मोबाइल पर सेट करते हैं तो उस वॉलपेपर पर sRGB यानी स्टैंडर्ड रेड ग्रीन ब्लू पर कन्वर्ट करके उस वॉलपेपर पर सेट हो जाते हैं। अब ये जो इमेज है ये प्रो फोटो है और इसको इसमें जब कन्वर्ट करते हैं तो इस फोटो में एक पिक्सेल जो ऐसा है जो इसकी पहुंच से बाहर है, जिसको एडेबम भी कहा जाता है, और वो स्टैंडर्ड RGB से बाहर निकल जाते हैं। जो भी वॉलपेपर जब लगाया जाता है उस फोटो में RGB वैल्यू है हर एक पिक्सल की 255 एक ही होते हैं। लेकिन जो इस पर फोटो को RGB पर कन्वर्ट कर रहा है तो एक पिक्सल ऐसा है जिसमें RGB वैल्यू 256 तक पहुंच जाती है। तीनों को सम में हिसाब निकाला जाता है तो ये 256 तक पहुंच जाती है, जिससे कारण ये जो मोबाइल क्रैश हो जाते हैं। तो ये क्रैश हर एक मोबाइल पर नहीं हो रहे, जो नया वर्सन है, जो नया अपडेट किया हुआ है, इन मोबाइलों पर क्रैश नहीं हो रहे हैं। जो ओल्ड तरह की मोबाइल है उस पर ही ये क्रैश हो रहे हैं। तो अगर आप भी ये देखना चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर ये वॉलपेपर लगाने से आपके मोबाइल क्रैश हो रहे हैं या नहीं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। पर मेरे साजिशों ही है कि आप इसको ना करें, क्योंकि अगर आपके मोबाइल एक बार क्रैश हो गए इस वॉलपेपर के कारण तो आपके मोबाइल फॉर्मेट मारना ही पड़ेगा। और आप जानते होंगे कि फॉर्मेट मारने से आपका मोबाइल पर जितने भी सारा डिटेल्स है वो गायब हो जाएंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही जानकारी था। तो कैसे लगे आपको ये जानकारी, और ये जो जानकारी आप पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।